पांच थिंग जो वॉरेन बफेट हमेशा देखते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक। तो वॉरेन बफेट वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है और उनका करंट नेटवर्थ मोर देन 136 बिलियन है और उन्होंने बहुत ही हम्बल बिगनिंग से स्टार्ट किया था, मतलब उन्होंने कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी बिजनेस इनहर्ट नहीं किया था एंड स्लोली स्लोली अपना वेल्थ बिल्ड किया ओवर टाइम। उन्होंने अपने इन्वेस्टिंग कैरियर में बहुत ही अच्छे अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट किया जिन्होंने उन्हें बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। जब भी वॉरेन बफेट किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कुछ फैक्टर जरूर ही देखते हैं और अगर आप भी वॉरेन बफेट जैसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको भी ये पॉइंट जरूर देखना चाहिए। हाय देयर, मेरा नाम है कृतेश और ट्रेडमेंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पांच ऐसे थिंग जो वॉरेन बफेट हमेशा ही देखते हैं और आपको भी देखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक। सबसे पहले आता है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। अगर आप किसी इंडस्ट्री या स्टॉक के बिजनेस मॉडल को समझने में कॉम्पिटेंट नहीं हो तो वो आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर आपको केमिकल इंडस्ट्री समझ में नहीं आती है या फिर आपको फार्मा इंडस्ट्री समझ नहीं आती है या फिर अगर आप नए इंडस्ट्रीज में देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इंडस्ट्री आपको समझ में नहीं आती है तो इसके रिलेटेड जो भी स्टॉक्स होंगे अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है क्योंकि वो आपके कॉम्पिटेंस में नहीं आता है, आप ऐसी कंपनीज को अच्छे से इवेल्युएट नहीं कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें आप फुली कॉम्पिटेंट हो, जो आपको समझ में आता हो, मे बी एफएमसीजी कंपनी हो सकती है, ऑटोमोबाइल हो सकती है, बैंकिंग हो सकती है, ऑयल हो सकती है, मेटल हो सकती है और भी बहुत सारी इंडस्ट्री हो सकती है जिसमें आपको बिजनेस मॉडल इजिली समझ में आता हो या फिर इंडस्ट्री समझ में आता हो, तो सबसे पहले इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि क्या वो इंडस्ट्री या वो स्टॉक आपकी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो आपको उस स्टॉक या इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस इंडस्ट्री में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। स्लोली स्लोली आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर आपको केमिकल इंडस्ट्री समझ में नहीं आती है तो स्लोली स्लोली आप उसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उस कंपनी और इंडस्ट्री के बारे में और जानना स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा तो वो इंडस्ट्री भी आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। सेकंड आता है मैनेजमेंट। तो आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसकी मैनेजमेंट जरूरी देखनी होती है। बहुत बार ऐसे केसेस हो चुके हैं जहां पे कंपनी बहुत ही अच्छी होती है लेकिन क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, टॉप ऑफ द पोजीशन पे जो बंदा बैठा हुआ है वो कॉम्पिटेंट नहीं होता है या फिर हम्बल नहीं होता है जिसके कारण वो स्टॉक या कंपनी डिक्लाइन हो जाती है। हम केसेस देख चुके हैं जैसे विजय मेहला की कंपनी किंगफिशर एयरलाइन या फिर यस बैंक की कंपनी राणा कपूर या फिर शारदा स्कैम, बहुत सारे स्कैम्स और फ्रॉड्स भी हम देख चुके हैं जहां पे कंपनी बहुत ही अच्छी एस्टैब्लिश थी, बहुत ही अच्छी रेवेन्यू बना रही थी बट क्योंकि उनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है उसके कारण वो स्टॉक में बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन हुआ और इन्वेस्टर्स को लॉस हो चुकी है। सिमिलरली अगर हम अंबानी की बात करें तो यहाँ पे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, दो दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम फैमिली बैकग्राउंड बट स्टिल उनकी आइडियोलॉजी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है और एक बहुत ही कॉम्पिटेंट होती है जो बहुत ही अच्छे से स्टेप्स लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, छोटे भाई अनिल अंबानी बहुत ही ज्यादा रिस्क लेते हैं जिनके कारण उनकी कंपनी फ्लॉप हो जाती है। तो आप जब भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको मैनेजमेंट देखना चाहिए कि मैनेजमेंट में टॉप में कौन बैठा हुआ है, कौन सीईओ है, चेयरमैन है, मैनेजमेंट है, क्या उनका विजन है, क्या वो कंपनी को सक्सेसफुली रन कर पाएंगे, क्या कंपनी किसी फ्रॉड से रिलेटेड है, अगर कंपनी में आपको कोई भी पास्ट फ्रॉड दिख रहा है तो आप उस कंपनी को डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हो, क्या कंपनी ट्रांसपेरेंट है, क्या कंपनी ऑनेस्ट है। अगर मैनेजमेंट अच्छी है तो वो अच्छे कंपनीज को और भी अच्छा ग्रो कर सकते हैं और अगर कंपनी खराब कंडीशन में भी चल रही है तब भी वो उसे वहां से रिकवर कर सकते हैं। थर्ड चीज जो वॉरेन बफेट हमेशा देखते हैं और जो आपको भी देखना चाहिए वो होता है मूड। तो मूड का कंसेप्ट वॉरेन बफेट ने बहुत सारे अपने एनुअल लेटर्स में बताया हुआ है, तो चलिए इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। तो अगर आप पहले के जमाने के कैसल्स मतलब महल देखो तो महल के चारों तरफ पानी हुआ करता था और पानी में बहुत ही मगरमच्छ, पिराना और बहुत सारे वाटर एनिमल्स होते थे जिसके कारण अगर महल के कोई कॉम्पिटिटर्स या फिर उनके कोई विद्रोही राजा उन पर अटैक करते थे तो वो इजिली उसे मोट को भेद नहीं पाते थे और उनको डिफीट करना डिफिकल्ट होता था। तो ऐसे कैसल्स जहां पे मोट बहुत ही बड़ा होता था, जहां पे एंटर करना डिफिकल्ट होता था, उन्हें भेद पाना डिफिकल्ट होता है, बट इवेंचुअली मोस्ट ऑफ द कैसल्स को एक्वायर कर लिया जाता था। बट डिफरेंस यही होता है कि जहां पे मोट बड़ा है वहां पे एक्वायर करने में भी ज्यादा एफर्ट लगता है, ज्यादा फाइट लगता है, बहुत बार 40-50 साल तक भी वो बहुत बार अटेम्प्ट करने के बाद भी अपोजिट राजा उसे एक्वायर नहीं कर पाते। ऑन द अदर हैंड, अगर मोट छोटा होता है तो वहां पे उस राजा को इजिली डिफीट कर दिया जाता था। सिमिलरली इन द स्टॉक मार्केट ऑल्सो, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको देखना चाहिए कि कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्या। अगर कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो वहां पे उसे डिफीट करना या फिर उसके प्रॉफिट्स को डिक्रीज करने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर कोई कॉम्पिटिटर इंटर भी कर जाता है सेम सेगमेंट में तो बहुत जल्दी उसके मार्केट शेयर नहीं खा पाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम केसेस देखें जैसे कंपनीज लाइक कोका कोला या फिर एचयू हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। अगर कोई नया साबुन निकलता है या फिर शैम्पू निकलता है, ऑल्दो इट कैन बी बेटर देन दैट वन, बट स्टिल लोग पिछले ब्रांड को ही प्रीफर करेंगे। अगर आप कोका कोला या फिर पेप्सी की बात करो तो मार्केट में बहुत सारे सोडाज मिलते हैं जो आपको 5-6 रुपए में भी मिल जाएंगे, बट स्टिल लोग हायर प्राइस देते हैं 15 या 20 रुपए,
जस्ट बिकॉज कंपनी का ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा है, मोड बहुत ज्यादा बढ़ा है। सिमिलरली बहुत सारे इंडस्ट्री में आप देखोगे जहां पे आपको स्विचिंग कॉस्ट लगता है, मतलब उस प्रोडक्ट को चेंज करने में लोगों की बहुत ज्यादा टाइम या एफर्ट या एनर्जी लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपने एक बार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख लिया तो आप दूसरे में स्विच नहीं करते हो, क्योंकि दूसरे में स्विच करने में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। इसके कारण माइक्रोसॉफ्ट को बहुत ज्यादा एडवांटेज है। सिमिलरली जो लोग विंडोज यूज करते हैं वो आईओएस में नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सेम चीज सॉफ्टवेयर्स में भी पाया जाता है। अगर किसी डिजाइनर को अडोब यूज करना आता है और जो आप फोटोशॉप और उसके पैरेलली अगर कोई नया सॉफ्टवेयर भी लॉन्च होता है तभी वो इजीली उस नए सॉफ्टवेयर में नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे नए सॉफ्टवेयर को सीखने में अगेन उसको 6 महीना 1 साल लग जाता है। तो स्विचिंग कॉस्ट एक और एडवांटेज हो जाता है। इसके अलावा लो कॉस्ट हो सकता है या फिर मोनोपोली हो सकता है, ये कुछ रीजंस है जिसकी हेल्प से कंपनी अपना मोड बनाती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाती है। आपको ऐसी ही कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिसमें मोड बहुत ही ज्यादा है। इवेंचुअली जैसे मैंने बताया था ऑल द मोड्स कैन बी ब्रेकन, लेकिन अगर मोड ज्यादा बड़ा है वहां पे कॉम्पिटिटर्स को डिफिकल्टी होती है टू रिड्यूस द प्रॉफिट और मार्जिन ऑफ द कंपनी। फोर्थ पॉइंट जो वॉरेन बफेट हमेशा देखते हैं वो होता है वैल्यू, कि आप उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए कितना वैल्यू दे रहे हो। अ गुड कंपनी इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट इफ यू ओवरपे फॉर दैट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक पेन दिखाता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पेन कितने रुपए में खरीदना चाहते हो, अगर आप बोलो 2 रुपए 5 रुपए 7 रुपए, इसकी कुछ भी प्राइस हो सकती है। स्टॉक मार्केट में भी पार्टिसिपेंट्स बिडिंग करते हैं और बिडिंग के कारण प्राइसेस हमेशा चेंज होते रहते हैं। अगर ये आप सेम पेन को खरीदने के लिए 50 रुपए पे करते हो सकता है कि ये पेन बहुत ही अच्छा फायदेमंद हो, प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, लेकिन आपने ओवरपे किया हुआ है इसलिए आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स नहीं मिलेगा। ऑन द अदर हैंड ये सेम पेन को अगर आपने 2 रुपए में खरीदा हुआ है तो यहाँ पे सेम प्रोडक्ट है लेकिन आपने उसे कम वैल्यूएशन पे खरीदा है और आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकते हो। सिमिलर इज द केस इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज्यादा लिस्टेड कंपनी है, लेकिन बहुत सारी कंपनी ओवर वैल्यूड चलती है और बहुत ही कम कंपनीज है जो अंडर वैल्यूड चलती है। तो वॉरेन बफेट जनरली ऐसी कंपनीज को ढूंढते हैं जो अपने ट्रू वैल्यू से कम वैल्यू पे बिक रही हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको एप्पल का लैपटॉप जो 1 लाख में बिकता है अगर आपको 30,000 में मिल जाए तो वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। ऑन द अदर हैंड अगर आप सेम लैपटॉप 1 लाख या फिर 1.5 लाख में खरीद रहे हो तो वहां आपको वैल्यू ज्यादा हो जाता है। तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी आपको हमेशा स्टॉक्स की वैल्यू देखनी चाहिए कि मे बी कंपनी कैन बी वेरी गुड, मे बी कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बना रही हो, उसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छी आ रही हो, उसकी आरओई आरओसी आरओए प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो हाई वैल्यूएशन पे है तो आपको वो स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। ये वॉरेन बफेट हमें सिखाते हैं, आपको वेट करना है जब स्टॉक करेक्ट वैल्यूएशन पे आए या फिर अंडर वैल्यूड होता हो। और फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट में जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फाइनल पॉइंट को डिस्कस करते हैं जिसे वॉरेन बफेट हमेशा देखते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी, और इसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS। तो वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर कंपनी की ट्रू वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है तो आपको वो स्टॉक को 100 रुपए पे नहीं खरीदना चाहिए, आपको कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए, मे बी 20-30 रुपए, और अगर आपको वो स्टॉक 60 या 65 या 70 रुपए पे मिल रहा है देन इट कैन बी अ गुड प्राइस टू एंटर। इससे क्या होता है कि आपको एक कुशन मिल जाता है 20-25 पॉइंट का, कि अगर मार्केट उतना और भी करेक्ट हो जाए तब भी आपको लॉसेस नहीं होंगे। तो आप कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उस वहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा रखना चाहिए। अगर आपको दिखता है कि कोई स्टॉक 15 के पीई पे चल रहा है जो कि एक अच्छा वैल्यूएशन है और उसके कॉम्पिटिटर्स हाई पीई पे चल रहे हैं, मे बी 25-30, और हिस्टोरिकली भी इस कंपनी की वैल्यूएशन 20 पीई पे है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑल्दो अ गुड वैल्यूएशन कैन बी 20 पी, बट अगर आप 15 पे एंटर कर रहे हो तो आपने यहाँ पे कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखा हुआ है, MOS रखा हुआ है, ताकि आप अपने आप को फर्दर डाउनफॉल से भी बचा सको। तो ये 5 पॉइंट्स है जो वॉरेन बफेट हमेशा देखते हैं व्हाइल इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक। आप भी अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये 5 पॉइंट्स हमेशा देखना चाहिए। चलिए इसे क्विकली रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले आता है सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस, आपको हमेशा देखना चाहिए कि वो इंडस्ट्री या फिर वो स्टॉक आपके कॉम्पिटेंस में है या नहीं। सेकंड आती है मैनेजमेंट, आपको हमेशा चेक करना है कि मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट इनफ है कि नहीं, कि ताकि वो कंपनी को अच्छे से रन कर पाएगी या नहीं। थर्ड में आता है मोड, आपको ऐसी कंपनीज देखनी है जिसके पास बहुत ही अच्छा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है। फोर्थ आता है वैल्यू, आपको हमेशा कंपनीज की वैल्यू देखनी चाहिए, क्या वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। एंड फिफ्थ एंड फाइनल मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर आपको हमेशा ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जो अपने वैल्यूएशन के काफी नीचे चल रही हो ताकि आपको एक क्वेश्चन मिल जाए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप इट वाज यूजफुल टू यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।